तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो भी स्पोर्ट्स जानते हैं, उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। SSB में आप उसको अप्लाई करके कांस्टेबल GD में जा सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के वीडियो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में देता रहूँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए SSB CT GD यानी कांस्टेबल GD का है, स्पोर्ट्स कोटा भर्ती है 2023 की, ठीक है, आप इसको भर सकते हैं। आगे देखिए बात करते हैं, इसमें टोटल पोस्ट जो होने वाली है ना 272 पोस्ट होने वाली है और योग्यता की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 10वीं पास, आपके योग्यता सिर्फ 10वीं पास और प्लस में आपके स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। बाकी आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देंगे, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आ गया है, हम आपको दिखा देंगे आपको कब से अप्लाई होगा, सब कुछ डेट मेंशन है। लेकिन स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या मांग रहा है, कितने साल का मांग रहा है, वो फुल आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो ही इसका अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। लेकिन आपको 10वीं पास और स्पोर्ट्स कोटा आपका होना चाहिए। फीस की बात करते हैं तो देखिए 100 रुपए का OBC और जनरल का है, SC ST और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए, ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 0 रुपए का फीस रखा गया है। आप इसका अप्लाई का बात करते हैं तो इसका देखिए अप्लाई जो डेट होने वाला है 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा इसका अप्लाई और आपको 20 नवंबर तक ये अप्लाई चलेगा। तो 21 अक्टूबर से पहले इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप SSB के साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे कि इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स का मांग रहा है। इसमें देखिए पे का बात कर लेते हैं तो GD लेवल का पे है तो 21,700 से लेकर इसका बेसिक पे स्टार्ट हो जाता है, यानी आपको 35 से 36,000 रुपया स्टार्टिंग में मिलता है, बाकी आपको ऊपर जैसे जैसे आपका जॉब बढ़ते जाता है ऊपर अप होते जाते हैं। अब इसका बात करते हैं कि इस वैकेंसी को प्रक्रिया करने में कितनी चयन प्रक्रिया होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो देखिए इसमें तो क्या दिया है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दिया है, आपका जो भी आप अप्लाई कर देते हैं सब कुछ करने के बाद आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स फील्ड ट्रायल, यानी स्पोर्ट्स जो भी आप स्पोर्ट्स से हैं उसका आपका ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद से आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आप किस स्पोर्ट्स में कितने अचीवमेंट यानी क्या क्या हासिल किया है वो आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से मेडिकल और उसके बाद से फाइनल आपका ज्वाइनिंग होगा। यानी इसमें कहीं भी अभी आपका रिटर्न का जिक्र नहीं है तो संभवतः इसमें रिटर्न नहीं होगा, फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा हम आपको बता देंगे रिटर्न होगा या नहीं होगा। इसमें फिजिकल का भी दिया हुआ है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट फिजिकल आपका जो भी है अभी फुल नोटिफिकेशन में बता देंगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स जानते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, इसमें बहुत अच्छे खासे चांस होते हैं आपको जॉब लेने के लिए और कांस्टेबल ये GD के लिए ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन और अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।